तो भाई स्वागत है आपका प्रीव्यू शो में। बात करेंगे आज दो ऐसी टीमों की जिसमें एक को जीत मिली एक को हार मिली। गुजरात जिसने चेन्नई को हराया, चेन्नई बीती रात अपना मुकाबला जीत चुकी है, कैसे जीती उस पर हमने बीती रात बहुत चर्चा कर ली। अब बात करते हैं इस मुकाबले की जहां पर दिल्ली भी जो है वो मुकाबला हार कर आ रही है और उन्होंने लखनऊ से अपना मुकाबला हारा है, वो लखनऊ जो चेन्नई से हार गई। तो रिश्ता कहीं ना कहीं जाकर मिलता है हारने और जीतने वाली टीम का, लेकिन अब दिल्ली में मुकाबला है। बहुत अच्छी बात यह कि ऋषभ पंत इस मुकाबले में आ रहे हैं और ऋषभ पंत के आने का मतलब, वैसे तो पिछली बार जो डीसी वालों ने कर दिया उस पर थोड़ी सी सुनाई भी गई है उन्हें कि भाई ऐसे टी शर्ट विशर्ट ना टांगिए, मतलब आप कुछ ओवर द टॉप ही चले गए। तो वो सारी की सारी चीजों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैच पर बात करते हैं। क्या लग रहा है आकाश, आपसे शुरू करता हूं। टीम को लेकर के सबसे पहले कहीं कोई बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है? केन विलियमसन गुजरात से चले गए हैं। डेफिनेटली भैया, लेकिन डेविड मिलर आ रहे हैं तो डेविड मिलर आई थिंक इस गेम में बड़े क्रूशियल रोल मतलब आ चुके हैं वो। यस, आ चुके हैं। तो वही वाली बात है कि जीटी ने अपनी जोन की बोलिंग लाइनअप खिलाई थी, आई थिंक दे विल परसिस्ट विद दैट। डेविड मिलर आ रहे हैं केन विलियमसन की जगह, आई थिंक इनके लिए मेरे को नहीं लगता ज्यादा चेंजेस वो वहां पर करते हुए नजर आएंगे। द थिंग इज कि भाई दिल्ली क्या करेगी वहां पर, यार दिल्ली के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है और मुझे लगता है कि उनको भी शुभेंदु भाई थोड़ा सा इंडियन बोलर्स वाली चीज कि अब आपके पास नौके अवेलेबल होने चाहिए, पेसर्स। यस, अब आपके पास नौके अवेलेबल होने चाहिए, आपको अपनी बोलिंग थोड़ी सी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। और भाई जो आपने बैटर्स खिलाए हैं, अब थोड़ा सा समय आ गया कि अपने परफॉर्मेंस में भी तब्दील करें। नाम बड़े बड़े हैं, डेविड वॉर्नर है वहां पर, पृथ्वी शॉ है वहां पर, राइली रूस हुए, पहला ही मैच था उनका, पहला ही मैच था, लेकिन अभी भी मार्च से देखिए उम्मीद करते हैं ना, अभी इंडिया में ही जिस तरीके से उन्होंने रन बनाकर गए तो उम्मीद करेंगे मार्च तो अच्छा करेंगे। पर मुझे लग रहा है कि चेतन साकरिया बाहर हो सकते हैं। चेतन साकरिया आप लाएंगे किसको फिर? यार उनकी जगह वही है कि इंडियन ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि खलील तो है ही, मुकेश कुमार हो गए, ये दो तो है, लेकिन फिर आप नोकिया की बात करें वो वापस आ जाएंगे। यानी कि आपको वही है ना, फिर आपको एक फॉरनर बाहर करना पड़ेगा, जिसमें मेरे को लगता है रोमन पॉवेल को आपने पिछले मुकाबले में मैच दिया था विद योर बैटिंग, आपने हैवी कर ली थी अपनी पूरी तरीके से, लेकिन इस बार मुश्किल लग रहा है कि आप अगर आपके पास नोकिया का ऑप्शन है और जिस तरीके से आपकी गेंदबाजी ने पिटाई खाई, शुरुआत में बहुत अच्छा किया था खलील वॉज एक्सेलेंट, मुकेश ने जिस तरीके से हार्ड लेंथ डाली थी, लेकिन राहुल अगर बदलाव की बात करें दिल्ली की टीम कोटला का मैदान, क्या बदलाव हो सकते हैं? और भैया जैसे आपने बदलाव के भी आप बात भी कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा एनरिक नोके की हम बात करें, बॉलिंग आपकी वीक है, उस दिन भी आपको बोला था कि यार ठीक है चेतन सकारिया आपके मुकेश कुमार, लेकिन डेथ में ये उस तरीके से आपको बचा नहीं पाएगा, डेथ में उन्होंने खूब रन भी खाए। जैसा भी आकाश भाई ने बोला कि यार मतलब रोमन पावेल का मतलब पिछला आईपीएल भी उस तरीके का नहीं गया था, एक दो पारी आई थी, क्या मतलब यार वहां पर वो फिट बैठ रहे, और अगर आप रोमन पावेल को बाहर भी करते हो फिर भी इनकी बैटिंग वीक हो जाएगी, क्योंकि सरफराज पिछले मैच भी आपने देखा नहीं आए, मिचेल मार्श कीपिंग भी यार सवाल थे। यार इस टीम में ना काफी सारे सवाल है, एक सवाल नहीं, बैटिंग में भी इनके सवाल है और इनकी बॉलिंग में भी सवाल है, क्योंकि आपको भी स्पिनर भी उस तरीके से देखने पड़ेंगे, अक्षर पटेल किस क्वालिटी के भी बॉलिंग करते हैं, कुलदीप ठीक आपको भरोसा देते हैं, खलील आपको भरोसा देते हैं, लेकिन भैया इनकी जो मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग में कमी बॉलिंग में कमी लग रही है, हल्की लग रही है टीम इनकी काफी। सपना दानू, ऋषभ पंत आ रहे हैं कल, क्या तैयारी है? देखिए मुझे लगता है कि ऋषभ पंत का वहां पे होना ही टीम के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, और जिस तरीके से लास्ट टाइम दिल्ली कैपिटल्स ने खेला मुझे लगता है और ज्यादा अच्छे से खेलने की जरूरत है, काफी अच्छा ज्यादा, क्योंकि गुजरात का आप मुकाबला देखिए कितने अच्छे तरीके से खेला था, सीएसके को किस तरीके से मात दी, कन्विंसिंगली हराया जी, और एक जीती हुई टीम के साथ आपका कल मुकाबला हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको एक मजबूत बल्लेबाजी भी करनी चाहिए और गेंदबाजी भी करनी चाहिए, तब जाके आप वहां पे कुछ कर सकते हैं, वरना मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स ढीली ढाली, हाँ अगर ऋषभ पंत आते हैं, अगर वो कुछ बाहर से कुछ चीजें बताते हैं तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा बिल्कुल यार इन्फ्लुएंशियल बंदा है, और पहली बार आप 40 सेकंड एक साथ भी बोल गई तो ये भी एक बड़ी काबिलियत है, ऋषभ पंत ही वजह है, मुझे लग रहा ये ऋषभ पंत ही वजह है कि आप 40 सेकंड बिना रुके बोल गई, दिल्ली के लिए भी ऐसा हो। हाँ दिल्ली के लिए हो सकता है, बिल्कुल यार, और मतलब जो रिकी पॉन्टिंग ने कहा भी वो थी उस दिन वहां पर, जब रिकी पॉन्टिंग ने वो बयान दिए थे सारे के सारे ऋषभ पंत को लेकर, जब उनकी जर्सी लॉन्च था तो वहां पर भी हमने देखा था सपना की किस तरीके से रिकी पॉन्टिंग ने सारी बातें जो है वो इर्द गिर्द ऋषभ पंत की थी। पांडे जी आप, अगर मैं बोलूं कि चेन्नई बोल रहा हूँ, दिल्ली और फिर यहाँ पर गुजरात, कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको लग रहा है ये खिलाड़ी जो है मैच की सूरत और सीरत बदल सकते हैं? देखिए गुजरात की तरफ जाएंगे तो बहुत मैच बने उनके पास, डेविड मिलर आ रहे हैं तो विलियमसन का जाना, विलियमसन की जगह किसको खिला रहे हैं आप?
कहां जाएगा? डेविड मिलर आ रहे हैं तो मिलर तो नीचे जाएंगे ना, लेकिन ऊपर तो कोई ना कोई आपको तीन नंबर किसको स्लॉट इन कर रहे हो? तीन नंबर मुझे लग रहा है साइज सुदर्शन आपको तीन पे दिखेंगे और डेविड मिलर नीचे आपको खेलते हुए दिखेंगे, तो डेप्थ और उनकी आएगी क्योंकि पहले से ही राशिद खान आपके पास है जो तेवतिया है, तेवतिया आपके पास है बेहतर, डेविड मिलर आ गए हैं, डेविड मिलर अब आ गए, तो मतलब ये जो ट्रायो पिछले साल का था वो एक बार फिर से रीयूनाइट हो रहा है, रीयूनाइट हो रहा है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। हार्दिक बहुत ज्यादा परिवर्तन करते हुए मुझे नहीं लगता है दिखेंगे, और उनकी टीम देखिए तो इंपैक्ट प्लेयर तो उनकी टीम में ही है जो 11 होते हैं क्योंकि चैंपियन भी बन चुकी है, तो उनका सेट है सब कुछ, एक से लेकर 11 तक आपको पता है कि किस तरीके से टीम खेल रही है। दिल्ली की बात करेंगे तो मेरी नजर सबसे ज्यादा कुलदीप यादव पर रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से हमने बिश्नोई का प्रदर्शन अपनी टीम के लिए देखा, चहल का प्रदर्शन हमने देखा, तो अब कुलदीप पर सबकी नजरें और सबसे ज्यादा तो कल आपने मोइन अली को देखा, बिल्कुल मोइन अली का प्रदर्शन जिस तरीके से कल शानदार तरीके से रहा, तो आज मुझे लग रहा है कि कुलदीप पर नजरें सबकी रहेंगी। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिन पर दिल्ली बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी, इनका क्लिक करना कितना बेहतरीन खेलते हैं, जैसे रुतराज कल खेल कर गए, ड्वेन कॉनवे जिस तरीके से खेल के गए, फिर लखनऊ के लिए जिस तरीके से काइल मेयर्स खेल कर गए, तो कौन लीड करेगा ये देखना, टॉप से फायर करना जरूरी है, बिल्कुल सही बात, फायर करना बहुत जरूरी है, और फिर आप कुलदीप और अक्षर तो आपकी मैच जिताऊ प्लेयर है, उन पर बहुत ज्यादा आपको नजर है, और भैया डेविड वार्नर ने मतलब गुजरात को हराने के लिए आपको हर तरीके से प्रदर्शन करना होगा फील्ड में, बॉलिंग में और बैटिंग में। और भैया डेविड वार्नर ने उस दिन रन तो बनाए थे, लेकिन आपने उनका देखा स्ट्राइक रेट किस तरीके से रहा, अगर आपको मैच जीतना है ना आपको थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा यार, आप सिचुएशन आई थिंक मेरा जो मानना है कि वहां पे डिफरेंट थी डेविड वार्नर, हालांकि डिस्ट्रक्टिव है बहुत ज्यादा, बट सिचुएशन कैप्टन भी हो फिर एक एंड से बहुत ज्यादा मतलब विकेटें भी जा रही है, तो एक एंड मतलब वो है कि उन्होंने एक तरीके से संभाला हुआ था, लेकिन भैया बट आपके विकेट जा रही थी, लेकिन आप बिल्कुल भी सेल में नहीं जा नहीं, सकते नहीं, तो फिर आप उस तरीके से आप रन से नहीं कर रहे थे, हार जाओगे, वो क्लोज लेके गए गेम, सुनील भैया आप क्लोज लेके गए गेम, आपके लिए सबसे बड़ा मैं कल डीसी को मतलब डीसी को सपोर्ट करूंगा आज वाले मैच में, बट मेरे को ये लगता है कि पृथ्वी शॉ को भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, इन द सेंस कि जो पावर प्ले में उनकी हिटिंग रहती है उसके बाद हमने कई मैचेस में देखा है कि वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, पावर प्ले यूटिलाइज तो कर लेते हैं, बट अब क्या होगा कि उनको भी बड़ी पारी खेलनी होगी, जैसे रिकी पोंटिंग ने भी कहा था उनके लिए सीजन बहुत अच्छा हो सकता है, बट वो चीज पहले मैच में उस तरीके से नजर नहीं है, yes. बट ये है कि आपको कल ठीक है होम ग्राउंड है सारी चीजें हैं, ऋषभ भी एक मोटिवेशन फैक्टर रहेंगे वहां पे टीम के लिए, बट ये है कि शॉन मार्श हो गए, चाहे आपके पृथ्वी शॉ हो गए, सॉरी मिचेल मार्श हो गए, पृथ्वी शॉ हो गए, और ऊपर से आपका 1-2-3 मतलब इतना मतलब जैसे बोले कि भयंकर जैसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव आपका पेयर लगता है, तो वो चीज है कि वो गेम चेंजर रहता है दिल्ली के लिए और वो रहेगा भी कल मतलब आज, तो वो है कि मेरे को लगता है कि ये तीन अगर ऊपर से आपके मतलब आपके पावर प्ले कह लीजिए या 6-7 ओवर तक भी आपके रह गए तो मतलब फिर आपको दिल्ली को रोक पाना, मुझे अभी भी लग रहा है कि दिल्ली के लिए दिक्कत रहेगी, देखिए नोकिया आएंगे अगर टीम में तो किसको बाहर करोगे आप, या तो पावेल को बाहर पावेल को या रूसो को बाहर करोगे, मुझे लग रहा है आप रूसो को बाहर करोगे, पावेल को आप लगातार उनको बैक करो फिनिशर के लिए क्योंकि मामला फंसेगा, आप अक्षर पटेल के भरोसे रह जाओगे वरना, और फिर आपको उनको ललित को आपको बुलाना पड़ जाएगा, ललित या रिपल, ललित का मुश्किल है, बट मेरे को ये लगता है कि जैसे अब नोकिया भी आ जाएंगे, फिज भी आई गेस अवेलेबल होंगे है ना, तो इन दोनों में से भी आपके पास चॉइस रहेगी कि मुझे आपने तो बताया था कि प्लेन में बैठ गए, नहीं अब तो पहुंच गए होंगे यार, तो हमसे बिठा रखे हैं आप, आपने बताया नहीं, अरे बताया नहीं कब पहुंचे हो, बताया नहीं कब पहुंचे, तो बताना चाहिए, पहुंच गए पहुंच गए, वो उधर पहुंचने की अपडेट थी वो आप ही रुका हुआ है, सुनील भी कब बताएंगे, पहुंच गए लखनऊ के ऊपर था, ये नहीं बहुत अच्छी बात की, आपके पास नोकिया और इन दोनों में से भी आपके लिए रहेगा चॉइस होगी, चॉइस रहेगी, और कह रहे थे कि पृथ्वी शॉ देखिए अब हम देख रहे हैं कि जो बाकी यंगस्टर्स हैं आप देख रहे हो यार ऋतुराज की परफॉर्मेंसेस, यशस्वी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तिलक आपके पास ब्राइट परफॉर्मेंस परफॉर्मर्स हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ भाई रेस में पीछे हो जाएंगे, आप कितने ही स्मार्ट में रन्स बना लीजिए डोमेस्टिक रन्स बना लीजिए, असली ये स्टेज है, उनकी दिक्कत क्या है वैसे अगर वैसे हम बात करें गेम सेंस को लेके कि उनकी दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है भाई, आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, कि आज वो धमाका दे आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, बड़ी आप 30-20 आप ये देखते हो 20 में अटके हुए जो हम एक वक्त शुभमन गिल के लिए कहते थे 30-20 में अटके हुए, पावर प्ले फील्ड एक स्पिनर आता है उनको उनको आउट करके चले जाता है, जिस तरीके से आपने बोला अभी डेविड वार्नर की हमने बात करी, जब आपको रन चेस करना हो तो ये नहीं कि आप सारे मैचेस में डेविड वार्नर भी इसी तरीके से खेले, आपको स्ट्राइक रेट तो ओवर बढ़ाना पड़ेगा चाहे आपके विकेट गिरे ना गिरे वहां पर, क्योंकि जब आप सेल में चले जाते हो ना तो प्रेशर तो फिर लगता ही ना उस तरीके से, फिर मिचेल मार्श की हम बात कर रहे हैं, अगर आप भाई वहां से रायली रूसो को हटाते हो ना फिर बैटिंग आपकी कमजोर है, वो 4-5 फिर सरफराज फिर आपके 4 नंबर पर बेशक यस धुल भी हो लेकिन बैटिंग भी आपकी फिर उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं देगी, आप जिसको भी हटाओ यार ये ना
धारी तलवार हो चुके हैं, दो धारी तलवार। आप रोमन पावेल को हटाओगे आपको थोड़ा सा नीचे कमजोर लगने लगेगा, आप रायली रुस्तो को हटाओगे आपको मिडिल ऑर्डर अपना लगने लगेगा थोड़ा सा खोखला हो गया है। मनीष पांडे खिला लो वहां पे, यश धूल को खिला लो, किसी को भी खिला लो, ऑब्वियसली यश धूल अगर आपको इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस कर देते हैं तो आप कॉन्फिडेंस हर टीम के साथ है, लेकिन आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल क्लास आपको वहां पर चाहिए। जो एक भाई माकूर की हमने बात करी, जो पहला गेम था एलएसजी का, वहां पर उनका आप इंपैक्ट देखिए, जो एक बड़ा बॉलर होता है एक्सप्रेस पेस हो गई यार, वो एक फैक्टर प्ले करता है। और आई थिंक आपकी जो वीकेंड वाली जो आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट थी वो बॉलिंग थी, आपके इंडियन बॉलर्स लेकिन बैटिंग सबको पता मजबूत है। दिल्ली के साथ प्रॉब्लम ये इनकी बॉलिंग भी वीक है, इनकी बैटिंग भी वीक है। जब आपकी दोनों जगह मतलब बैटिंग बॉलिंग आपकी वीक हो जाएगी तो आपको प्लेयर्स उस तरीके से मैनेज करने पड़ेंगे। सीएसके का आपने कल मैच देखा भाई, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, बैटिंग को सब ना मैच जीते थे वहां से, क्योंकि आपने इतने रन बॉलिंग में तो हरा ही दिया था। मतलब दिस वोंट हैपन, आपको राहुल एक लॉन्जिविटी भी देनी है, लॉन्जिविटी पावेल को हटा के आप अक्षर को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए और नीचे एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला दीजिए। नहीं लेकिन फिर आपकी फिनिश कौन करेगा भाई आपको मैच ना, आप अक्षर पटेल के भरोसे नहीं बल्ले बाज रहेंगे, फिर काउंट करने के लिए लगेगा बल्लेबाज। आप अक्षर पटेल हमेशा नहीं फिनिश कर पाएंगे, अक्षर पटेल की क्वालिटी हम सबने देखी है, मुकेश साकर या खलील से आप मेरे को नहीं लगता लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए कि आपको एक वहां पर भाई पांच में कितने रन दिए थे, 70 या 72 के रन दिए थे ना आपने पिछले मैच में, जबकि शुरुआत दोनों ने अच्छी करी थी। अगर इस तरीके से आप रन दोगे फिर आप मैच नहीं जीत सकते। सही बात है, मुझे लगता है कि मेरा ये मानना है कि नौके कमाना जरूर, फिर आप ये राहुल कि आपको एक चांस लेना पड़ेगा। मुझे भी लग रहा है कि रूसो बाहर होंगे, रूसो ही बाहर होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके उसी वाले रोल में आपके यार आपको आपने जब मनीष पांडे को बैकिंग दी है या यशदूल ने भी जैसे राहुल ने कहा था उनके नंबर बड़े जबरदस्त थे स्मार्ट में भी, तो यार अपने ऐसे टैलेंट को अनलीश करो ना। मनीष पांडे यश धूल को खिलाते हैं मिचेल मार्क्स को, आप जानते हो कि आप चौथे यश धूल या मनीष पांडे को आप तीन नंबर पर खिला सकते हो ना, मिचेल मार्क्स को चौथे नंबर पर, क्योंकि टीम की भाई मजबूरी है कि मिचेल मार्क्स को थोड़ा पीछे खींचना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे नंबर के लिए आपके यशदूल मनीष पांडे थोड़ी बेटर चॉइस हो भी सकते हैं। बिल्कुल मार्क्स की तीन पे ले जाओ, वो मार्क्स अभी आपके लिए नीड ऑफ द आवर यही है कि आप नौके को वहां पर लाओ, वरना आपके लिए बिफोर इट्स टू लेट फिर आपको कहें यार आपने क्यों असला बारूद क्या आपकी टीम में एनकीडी नौके मुस्तफा भाई आपको यूज नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, कैसे बैठा। बाकी गुजरात की टीम तो बैलेंस है यार, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, गुजरात को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी कि किस तरीके से वो अपने स्पिनर्स को यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम राशिद खान अगर वो किसी को लाते हैं यहाँ पे कोटला में। जाने से पहले बस आपके फैंटेसी के मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन जानना चाहता हूँ क्या रहने वाले हैं। सुनील आपसे शुरू करता हूँ, आपकी फैंटेसी टीम अगर आप बनाओगे कल के मैच की मतलब आज के मैच की, तो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन रहने वाले हैं? मेरे कैप्टन होंगे रिद्धमन साहा जी, ग्रैंड लीग खेल रहा है इधर, वाह। और इधर से डीसी से होंगे मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन भाई, वाइस कैप्टन सॉरी, हाँ कैप्टन आपने वहां से बना दिया ना, क्योंकि सरफराज तो पूरा ही एक करोड़ जीतना चाहता है, ये ऐसे है कि जिस दिन क्लिक करके उस दिन एक खोखा ही आएगा। मुझे तो लग रहा है मेरे कैप्टन उधर से मिलर रहेंगे और इधर से मुझे लग रहा है वाइस कैप्टन में जाऊंगा खलील की तरफ। जी मेरे गुजरात से विजय शंकर रहेंगे भाई। ओ भाई तुम भी एक करोड़ जीतना, तुम तो लग रहा है कि एक करोड़ देना चाह रहे हो। विजय शंकर और इधर से दिल्ली से रिपल इनकी तो यार रिपल पटेल पर्ची निकल के आएगी, लेवल को पैसे ले ले बहुत ज्यादा जरूरत है, इन्होंने एक्स्ट्रा चक्कर में कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। रिपल पटेल, विजय शंकर, रिपल पटेल, आपके मतलब वही यार रिद्धिमान साहब के कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके सरफराज खान। जी मैं दोनों गुजरात से लूंगी, शुभमन गिल कैप्टन और वाइस कैप्टन हार्दिक। नाइस, राशिद कुलदीप, मैं एक तरफ से खिलाऊंगा साई सुदर्शन को, मैं भी ग्रैंड लीग की तरफ जा रहा हूँ थोड़ा सा, साई सुदर्शन और अगर सेफ ऑप्शन जाना है तो शुभमन गिल, और अगर आपको ग्रैंड लीग जीतनी है तो साई सुदर्शन। लेकिन मैं जैसे आकाश भाई ने बताया ना, हेड टू हेड अगर जिस तरीके से उन्होंने बताया था कुलदीप और राशिद आपके लिए भाई बेस्ट ऑप्शन हेड टू हेड, इनका वाइस कैप्टन तो सुन ले भाई। वाइस कैप्टन मैं चुनूंगा, वाइस कैप्टन मेरे सरफराज होंगे फिर ग्रैंड लीग खेलने के लिए, और सेफ खेलना आपको तो डेविड वार्नर को आप कर सकते हो, तो ये है जी, तो मैच शुरू हो जाएगा। चलिए जी, इनके ओवर एक्टिंग की 50 रुपए काट, जय हिंद जय भारत, की 50 रुपए काट, जय हिंद जय भारत, बाकी आप सारे वीडियोस देखते रहिए।